पेट्रोल मैन जो तेल देता होगा वकील साहब कहके बुलाता है कि क्या बोलता है आपको? जी वकील साहब बोलता है जी। क्या बोलता है वकील साहब, कितने डालें? जी इतने, यही बोलता है सर। एक बार लगता सुनकर जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बताते हैं वकील ने कि कहते चलो ठीक है तुम जो समझो समझो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी कभी कभी थोड़ा भीड़ भी हो जाता है पेट्रोल पंप पे। दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, अरे साहब बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, आपका दोस्त मैक्सागर मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं पहुँच आया हूँ उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में। हरदोई ज़िले में आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो आपको सरप्राइज करने वाले हैं, अचंभित करने वाले हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम उमेश कुमार कुशवाहा है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को पिछले 2 महीने से कर रहे हैं एज अ करियर। इसके पहले आप लगातार गुजरात में फ्रूट्स बेचा करते थे, फल की ठेली लगाया करते थे, फल बेचा करते थे। आज आपको बिल प्रोफेशनल देख रहा हूँ, क्या आप इसी तरह से फल भी बेचा करते थे जिस तरह से आज आप हैं? जी इससे पहले तो फल नहीं बेचा करते वो। इसके पहले मैं गुजरात में जाके वहाँ पे धंधा किया, उसके बाद में धीरे धीरे गांव पे आके ये प्लेटफार्म मिला मुझे कि मतलब यहाँ से आपकी जो है लाइफ चेंज हो सकती है जी। और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ से ज़्यादा नहीं, एक से 1.5 महीने यहाँ से मैंने काम करना शुरुआत किया है और बहुत बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? सबसे बड़ा बदलाव आया अपने ये मतलब पर्सनालिटी। जी जी जी, यही आपका व्यक्तित्व तो बदल गया पूरा। जी एकदम। और जी। इसके साथ जब पहले दिन आप इस तरह से ड्रेसअप में रहे होंगे, क्योंकि फल बेचने से पहले किसानी किया करते थे। जी जी। उसके बाद फल बेचना शुरू किया गुजरात में, 1.5 महीना भी आपको हुआ, जब आप ये कोट टाई सब कुछ पहनकर घर से निकलते होंगे, पहला दिन कैसा आपका रहा जब पहले दिन आप इस ड्रेस को अपने शरीर पर डाले? जी पहला दिन यही लगा कि क्या लोग कहेंगे, लेकिन नहीं मुझे तो करना था। और इससे पहले मैं बहुत मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा कोई सर प्लेटफार्म मिल जाए कि हम और अपने भविष्य में बच्चों की 3 पीढ़ियों तक लाइफ चेंज कर सकूं। लेकिन जब 1 से 1.5 महीने यहाँ से मैं इसके अंदर जब प्रयास किया जाने के लिए, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है सर कि यहाँ से मैं 3 पीढ़ियों तक की लाइफ चेंज कर सकता हूँ। कर सकते हैं जी। जब आप फल बेचा करते थे ज़िंदगी में बदलाव आया? जी बिल्कुल बदलाव। इससे पहले वहाँ पे क्या है, कमाने और खाने का इतने ही कमा पाता था, और वहाँ से आने से पहले जितना कमा लेता था तो खर्चा पहले यहाँ हो जाता था। तो इससे कोई ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी रोटी दाल चला रहा था, लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं सर 1 से 1.5 महीने काम करते हो गया है और कुछ यहाँ से पैसा भी आने लगा है। अच्छा, बहुत लोग पास पड़ोस के लोग बोलते होंगे फल बेचे वाला अब करोड़पति बनने जा रहा है। जी बोलते हैं, जी बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो बोलने हैं क्यों उनको अभी समझ नहीं है, लेकिन प्रयास यही करता हूँ। पहले कुछ हमारे गांव के लोग, अभी ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 महीना हुआ है, अब बोलना बंद कर गए हैं कि ये बोलते हैं कि आप कर जाओगे है? जब हम उनको जानकारी देते हैं तो यही बोलते हैं आप कर जाओगे। अच्छा, उसके पीछे का रीजन रहा कि जब वो बोले तो आप घर में बैठ नहीं गए? जी, टाई उतार कर रख नहीं दी है? जी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुछ हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जिम में टाई रखते हैं। अरे हमने सोचा कि जिम में टाई मत रखो, इसको लगाओ, ये लगाओ। दुनिया है, देखने वाले देखेंगे और जलने वाले जलेंगे, लेकिन अपना जो करना है, क्यों लोगों की कमी नहीं है, घर से जब बाहर निकलो सर तो लोगों की कमी नहीं है। लेकिन देखो मार्केट में निकलो या प्लेटफार्म ट्रेन के प्लेटफार्म पे जाओ तो वहाँ लोग ही लोग हैं। हॉस्पिटल में जाओ, अरे लोग ही लोग। आप बात करो तो बात करने का तरीका है और प्रचार करने का, अब 10-20 लोग से बात करो तो ज़्यादा नहीं 2 लोग तो आ ही जाते हैं। इसी हिसाब से सर बिजनेस करना स्टार्ट किया है कि महीने में 30 दिन होते हैं और 1 महीने में 2 लोग को जानकारी देंगे तो बहुत है हमारे लिए सर। यहाँ से बहुत हमारी ज़िंदगी बदली है और कुछ हमारी टीम की भी ज़िंदगी साथ साथ में अच्छी हुई है। आज आपको लोग देखते हैं बोलते हैं पेन भी रखे हैं, चश्मा भी लगा रहे हैं। जी जी, जी है, कपड़ा भी साफ सुथरा एकदम चमचमाता है। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वकील वकील तो नहीं बन गए? यही बोलते हैं सर है? यही बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ, एक बार ऐसे मैं जा रहा था, कह रहे होंगे फलवा बेचा वकील बन गया, केस हो चलो दे देगा। जी बोलते हैं सर, लेकिन बोलने उनको अभी सर जानकारी नहीं है पूरी यहाँ की, मतलब ये क्या काम है क्या नहीं। लेकिन जिसको मैं देता हूँ बोलता काम तो अच्छा है भाई, लेकिन करूँगा, आप करिए, उसके बाद हम भी करेंगे आपके साथ। क्यों सबसे ज़्यादा सर इतने टाइम
दो ही चीजें बढ़ रही हैं जी। नंबर एक है बेरोजगारी और दूसरा नंबर है बीमारी। ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जी 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 बिल्कुल, आपको तो ये बात समझ में आ गई। जी बिल्कुल समझ में। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जब गाड़ी में पेट्रोल डलाने पेट्रोल टंकी पे जाते होंगे जी, तो पेट्रोल मैन जो तेल देता होगा वकील साहब कह के बुलाता है कि क्या बोलता है आपको? जी वकील साहब बोलता है। जी क्या बोलता है वकील साहब, कितने डाले? जी इतने, यही बोलता है सर। एक बार अच्छा लगता सुनकर? जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगता। बताते हैं वकील ने कि कहते चलो ठीक है तुम जो समझो समझो है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी कभी कभी थोड़ा भीड़ भी हो जाता है पेट्रोल पंप पे, तो अभी ज्यादा नहीं एक हफ्ता जैसा हुआ है, मैं कन्नौज के ही साइड में आ रहा था, हमारा फंक्शन था यहाँ पे, तो उसके बाद में भीड़ थी। उस दिन ऐसा हुआ था सर कि पेट्रोल नहीं था टंकी वाले के पास, तो टैंकर जो आया वो उतार रहा था पेट्रोल, तब तक भीड़ लगा जमा हो गई वहाँ पेट्रोल पंप पे जी। तो उसी टाइम हम भी पहुँच गया था, तो वहाँ पे लाइन लग रही थी, तो लाइन के साइड में हमने भी खड़ी कर ली, तो कुछ हमारे से पीछे लोग आए तो उन्होंने पेट्रोल डालना टंकी वाले ने चालू कर दिया, बोला वकील साहब लेट हो रहे हैं तो पेट्रोल जल्दी दे दो। तो सर हमने यही बोला कि ऐसा है अब तो हमारा छुट्टी का टाइम है, लेट नहीं हो रहा, मैं घर ही जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसका नंबर है उसको पहले दे। जी अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा, अच्छा है। जब आप फल बेचा करते थे जी, हाँ कभी कभी कोई कहता होगा ये फल ठीक नहीं वो फल ठीक, आप अपने से रखना चाहते होंगे तो कहता होगा मैं अपने पसंद का रखूंगा जी। कई बार कहा सुनी होता रहा होगा जी, सामने वाला सोचता होगा डाड़ी तो नहीं मार दिए जी। कभी जी। आपने सोचा था क्या जी, एक इंसान कभी आम इंसान सोचा था क्या कि एक ऐसा भी समय आएगा लाइफ में जब बड़ा करूंगा? जी सर ऐसा है गुजरात के अंदर यही तो हमने नियम देखा है कि वहाँ पे, लेकिन कुछ बुजुर्गों के मुँह हमने सुना है कि गुजरात के अंदर, अभी इतना नई जानकारी है कि कुछ ऐसी जगह है वहाँ पैसों की बारिश हुई थी जी। तो वहाँ के लोग जो अच्छे लोग हैं वहाँ का भाव नहीं पूछते हैं ये अच्छा, क्या भाव है क्या बात है जी, जी। इस वहाँ का रूल यही है, और उनको चीज मतलब नंबर वन होनी चाहिए अच्छा, वो भाव नहीं, जो पैसा आप बोलोगे हाथ भी नहीं डालते हैं, जो पैसा आप बोलोगे वही कैश कर देते हैं, तो नंबर वन ये चीज़ बोलते हैं वहाँ की, इतनी प्रणाली अच्छी है कि भाव नहीं करते हैं। अच्छा एक सवाल पर्सनल रहेगा, कभी आपने डाड़ी मारी है? जी डाड़ी मारने का कभी हमारे तीन पीढ़ियों में सिखाया भी नहीं और कभी ये किया भी नहीं, लेकिन शादी के बाद सर ऐसा है कि कुछ करना पड़ता है, जब बच्चे हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई का जब थोड़ा वजन पड़ गया था सर, इसीलिए ये सब धंधा करने में लग गया, लेकिन सोच रहा था कुछ ऐसा मिले, लेकिन एक ऐसा हमको यहाँ पे नेटवर्क मार्केट मिल गया, यहाँ से हमारी लाइफ चेंज हुई, ज़्यादा नहीं एक से डेढ़ महीने हुआ, अब भरोसा है मुझे यहाँ से मैं दुनिया में तीन पीढ़ियों तक अपना इतिहास रच सकता हूँ। किसने लाया आपको इस बिजनेस में, नाम जान सकता हूँ आपके मेंटर का? नंबर एक हमें हमारे हैं महागुरु जी, श्री का नाम विवेक सर हैं, और कश्मीर सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं लोग, और इन्हीं की वजह से सुबह शाम जितने टाइम मैं कॉल करूं उतने टाइम सपोर्ट मिलता है, और बहुत अच्छा लगा मुझके, और हर जानकारी हर टाइम से मिलती रहती है सर को, सर की वजह से। साउंड्स गुड। देख रहे हैं भैया उमेश कुमार कुशवाहा सर का नाम है, अभी महज डेढ़ महीना या दो महीना हुआ बिजनेस को करते हुए, इसके पहले सर गुजरात में ठेला लगाकर फल बेचा करते थे, आज नेटवर्क मार्केटिंग से देख रहे हैं अपने व्यक्तित्व को तो बदल ही रहे, बातचीत करने का शैली बदल दिए, बिल प्रोफेशनल हो गए, पता नहीं फल बेचते समय दाढ़ी बनाने का मौका मिलता था कि नहीं मिलता था, साफ कपड़े पहनने का मौका मिलता था कि नहीं मिलता था? जी जी नहीं, कुछ नहीं कर पाता था, 12-14 घंटे मेहनत करता था, और ज़्यादा नहीं 2.5 से 3 महीने में उधर ही पूरा धंधा करता हूँ, बाकी इधर ही खेती करता था जी। लेकिन वहाँ से भी निकाल लेता था 80-90 हज़ार रुपये 2-2.5 महीने के अंदर निकालता था, लेकिन वहाँ से सर कपड़े और ज़्यादा जिंदगी नहीं बदल पाई, रिस्पेक्ट सम्मान नहीं मिल पाया जी, सम्मान नहीं मिल पाया, यहाँ से हर चीज़ मिल रही है 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो भैया नंबर सर का हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कुछ ना कर पाए तो सिर्फ एक काम करें, इनके आत्मबल को हज़ारों गुना मजबूत करें, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, और अगर आप सर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप जरूर कॉल करें और बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू।